क्या आप कभी जो फेसबुक पेज में नहीं फेसबुक प्रोफाइल में जैसे ऐसा एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर देखोगे एट मोबाइल नंबर, यहाँ पर योर अकाउंट, आपका जो फेसबुक आईडी है फेसबुक आईडी में का जो फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर को ऐड करने बोल रहा है। तो फ़ोन नंबर क्यों ऐड करने बोल रहा है, आप जैसे वन टाइम आप जैसे कर लोगे तो आपको दोबारा से देखने नहीं मिलता है। आप जैसे ईमेल आईडी से आप जैसे फेसबुक आईडी को ऑफलाइन क्लिक करते हो तो उसका बाद है आपको ऐसा एक आपको ऑप्शन देखने मिल सकता है। ऐसे भी आपको ऑप्शन देखने मिल सकता है, जैसे आपको मिलता है तो आप जैसे क्या कर सकते हो, तो नॉट नाउ, नॉट नाउ का बटन में क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। आपको दोबारा से जैसे कुछ दिन के बाद दोबारा से आपको देखने मिल सकता है। नहीं, यहाँ पर देखोगे ऐड नंबर, तो यहाँ आपको ऐड जो नंबर को मैं जैसे क्लिक किया हूँ, थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो सकता है तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है यहाँ आपको, तो आपको ऐसा ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। तो मेरा जो फ़ोन नंबर है मैं फ़ोन नंबर को डालूंगी, आपका जो एक न्यू फ़ोन नंबर है तो पहले से जो फेसबुक आईडी ऑफलाइन करके रखा हो तो आपको देखने नहीं मिल सकता है। जैसे आपका जो एक न्यू नंबर है उसका बाद आपको देखने मिलेगा, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को जैसे सबमिट कर दोगे तो मेरा जो फेसबुक आईडी नहीं तो फेसबुक पेज, ठीक है, तो उसके बाद आपको देखोगे एक इंस्टाग्राम का, ये आपको सेम एक नंबर से वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे आप जैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो मेरा जो फेसबुक आईडी है तो ये मैं जैसे ईमेल से ऑफ़ किया था, मेरा जो फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर को मैं डाला नहीं था, तो इसलिए ऐसा ऑप्शन आपको पहले का जो होम पेज में आपको देखने मिल रहा था तो मैं आपको लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, ऐसा आपको देखने मिल रहा था। तो इसका जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।